किसी ने पूछा, भैया मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, तो ये सेंट्रल विस्टा क्यों बनवा रहे हैं अपने लिए? दिमाग तो खटका मगर फिर सोचा कि जो आदमी एक छुट्टी नहीं लेता, दिन में 18-18 घंटे काम करता है, यात्रा के वक्त हवाई जहाज को भी दफ्तर बना देता है, वो क्या सेंट्रल विस्टा अपने लिए बनवाएगा? क्योंकि जब उसने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तब भी लोग ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन आज दुनिया इस मूर्ति को देखने के लिए भारत आना चाहती है। सिर्फ पटेल जी को सम्मान ही नहीं मिला, इस मूर्ति ने तो पर्यटन को नया आयाम दे दिया भारत में। तो मोदी जी अपना घर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम नहीं कह रहे, ऐसा बिना किसी सबूत के प्रचार किया जा रहा है। राहुल गांधी भी सेंट्रल विस्टा की लागत 13,000 करोड़ बताते हैं, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने असलियत बताई तो आंखें खुली की खुली रह गई। पहली बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा वक्त में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए नहीं सिर्फ 1,300 करोड़ के आसपास है। चौंक गए ना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की अनुमानित लागत 862 करोड़, जबकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की अनुमानित लागत 477 करोड़ रुपए है, कुल मिलाकर हुए 1,300 करोड़ के आसपास। मतलब झूठ का पहला पटाखा तो यही फूट गया। अब दूसरी बात, जिस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को मोदी का महल बताया जा रहा है, उसमें देश के सारे सांसद और राज्यसभा सदस्य बैठेंगे। अकेले मोदी नहीं, राहुल गांधी भी होंगे वहाँ और विपक्षी नेता भी। देखिएगा, जब इसका उद्घाटन होगा तो यही विरोध करने वाले नेता सबसे ज्यादा उतावले नजर आएंगे, क्योंकि आज भी ये नेता वक्त वक्त पर ऐसे ही संसद भवन का सपना देखते नजर आ जाते हैं। वैसे 2012 में जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, तब उन्हीं के ओएसडी ने पत्र लिखकर बताया था कि एक नई संसद भवन बननी है। वैसे तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब से ये मांग की जा रही है। अब आ जाइए असल मुद्दे पर। मौजूदा पार्लियामेंट में सभी मंत्रालय के दफ्तरों के लिए जगह नहीं है, ये मंत्रालय दिल्ली में कई दूसरी इमारतों में चल रहे हैं, जिसका सालाना किराया सरकार को भरना पड़ता है 1,000 करोड़ रुपए, और सेंट्रल विस्टा की लागत है 1,300 करोड़। मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत एक साल में ही वसूल हो जाएगी और अगले साल से सरकार की भारी बचत शुरू हो जाएगी। अब अगली बात यह है कि 2026 तक परिसीमन भी होना है। परिसीमन के बाद निश्चित है कि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, संसद भवन में जगह की जरूरत होगी ताकि नए सदस्य बैठ सके। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से लोकसभा की क्षमता 543 से बढ़कर 888 हो जाएगी, राज्यसभा में 250 से बढ़कर 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, संयुक्त सत्र के दौरान नई क्षमता बढ़कर 1224 सदस्यों तक हो जाएगी। संसद का नया भवन बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भूकंप के लिहाज से मौजूदा संसद भवन सेस्मिक जोन 4 में आता है, यानी अगर बड़ा भूकंप आया तो भारी नुकसान हो सकता है। वैसे भी ये इमारत लगभग 94 वर्ष पुरानी हो चुकी है। मतलब हर तरफ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश की जरूरत है, कोई और सरकार होती तब भी इसे बनाना ही पड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि तब शायद इसकी लागत 20,000 करोड़ ही होती, क्योंकि दूसरे फायदे भी तो ढूंढने होते। इसीलिए तो विपक्षी नेता किसी आधार के बिना इसकी लागत को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 1,300 करोड़ का नहीं बल्कि 2,200 करोड़ का होना चाहिए था।